नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय के हम आपको सीधे दृश्य जो है डोगरा जोन के दिखा रहे हैं, जहां पर आज जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इस समय जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आज जम्मू के विभिन्न एरियाज में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ पर आज जो है देख सकते हैं आप किस तरह से भगवान परशुराम की जयंती को यहाँ पर लोग मनाते हुए, और आप देख सकते हैं किस तरह से आज मोटरसाइकिल रैली जो है वो जम्मू के विभिन्न एरियाज में निकली हुई है और अपने शस्त्रों के साथ जो है ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकालते हुए जम्मू के कई विभिन्न एरियाज में आज जो है ये शोभा यात्रा भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में शस्त्र लिए हुए जय श्री राम के जो है जयकारे लगाते हुए यहाँ, और भगवान परशुराम भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार हैं और आज ही के दिन उनका जो है जन्म हुआ था। कहा जाता है कि पूरी शक्तियों का संहार करने के लिए भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, और हर साल इसी तरह से ये शोभा यात्रा जो है घोड़ों पे मोटरसाइकिल्स पर जो है निकाली जाती है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी का भी यहाँ पर हर यात्रा के साथ पुख्ता इंतजाम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये शोभा यात्रा जो है यहाँ से निकली है और अब ये शोभा यात्रा हर की पौड़ी तक जाएगी। पानी की व्यवस्था भी की हुई है ताकि भीषण तपती गर्मी में जो है इन्हें प्यास लगे, तो पानी भी जो है जगह जगह पर इस समय लगाए गए हैं। घोड़ों पर मोटरसाइकिल पर ये शोभा यात्रा जो है आज निकाली जा रही है। हर साल इसी उत्साह के साथ जो है शोभा यात्रा देश के विभिन्न राज्यों में जो है ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। और जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में आज कई जगहों पर शोभा यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया है भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर। ढोल नगाड़ों के साथ भगवान परशुराम जी की जयंती को आज मनाते हुए लोग पीताम्बर कपड़े पहने हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उन्हें पीताम्बर रंग बहुत पीला रंग उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए भगवान परशुराम जो है वो हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे। और पीले वस्त्र पहनने की वजह से ही आप देख सकते हैं जितने भी शोभा यात्रा में लोग शामिल हैं उन्होंने आज पीले कपड़े धारण किए हुए हैं। शोभा यात्रा यहाँ से निकलते हुए ढोल नगाड़ों के साथ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हर साल इसी तरीके से ये शोभा यात्रा यहाँ से ही नहीं जम्मू के कई विभिन्न एरिया से ये परशुराम यात्रा जो है निकाली जाती है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम डोगरा चौक से दिखाते हुए, जहाँ पर आज जो है परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर जो है शोभा यात्रा यहाँ से निकालते हुए जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए लोग यहाँ पर इस समय इकट्ठे हैं। और परशुराम जी की यात्रा हर साल इसी तरीके से निकाली जाती है, क्या कुछ संदेश देना चाहती है? परशुराम जन्मोत्सव की जो भव्य शोभा यात्रा है वो हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ के मनाई जा रही है, और पिछले साल की तरह इस साल भी युवाओं ने जो है बढ़ चढ़ के एक अपना बलिदान दिया है, बीच में एक अपना एक आहुति दिया हवन के बीच में। ये एक रैली नहीं है, ये भगवान परशुराम जी का एक हवन है, यज्ञ है, जिसमें हर एक युवा मिलकर अपनी रैली अपनी आहुति दे रहा है। और युवाओं को देखकर हमें ये संदेश मिल रहा है कि जो हमारा भारत है नशे को छोड़कर नशा मुक्त होने की जो है एक भक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। आज का जो दौर है ये बटने का नहीं एकत्रित होने का है, इसलिए मैं सभी को बोलूँगा कि हर साल जो है रैली में आए और अपनी आहुति जो है यज्ञ में दे। जय श्री राम। आपसे भी जानना चाहेंगे, परशुराम जी की आज जयंती है और शोभा यात्रा जम्मू के कई विभिन्न जगहों से आज निकाली जा रही है। देखिए, सबसे पहले सारे पूरे भारतवर्ष को भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान परशुराम का जन्मदिन ही नहीं, आज अक्षय तृतीया एक ऐसा त्यौहार है। आज वाले दिन ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं, आज ही के दिन अन्नपूर्णा माता का जो उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आज भगवान परशुराम जी का ही प्रकटोत्सव है। आप देख रहे जी हजारों की संख्या से यहाँ पे लोग शोभा यात्रा सनातन जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और
जिस तरह से जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज मनाई जा रही है, तो सभी को भगवान परशुराम जी के प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आज भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर किस तरह से लोग जो है एकत्रित होकर पीले कपड़े पहनकर जो है उनकी जयंती को यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए इस समय जो है लोग काफी ज्यादा तादाद में उत्साहित भी देखने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से अब शोभा यात्रा निकली है लोगों के हर किसी के जुबान पे जो है जय श्री राम का जयकारा है। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन जो है केदारनाथ के किवाड़ भी खुले थे। क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस समय मौजूद है हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? आज समस्त देशवासियों को भगवान परशुराम जी और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर भगवान परशुराम जी की का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के तहत जम्मू के अंदर भी आज जम्मू ब्राह्मण सभा की ओर से ये एक शोभा यात्रा जो है वो केके रिसॉर्ट से हल्की पौड़ी तक निकाली जा रही है। पूरा जम्मू जो है वो भक्तिमय है और भगवान परशुराम जी को याद कर रहा है। भगवान परशुराम जी जो विष्णु के छठे अवतार थे और वो आज भी कहीं ना कहीं इस धरती के अंदर विराजमान है और उनका आशीर्वाद जो है वो आज समाज को अब प्राप्त हो रहा है। आपने यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी शोभा यात्रा जो ये निकाली जा रही है के रिजॉर्ट से, और अब ये जो है शोभा यात्रा हर की पौड़ी तक जाएगी और लाखों की तादाद में हजारों की तादाद में जो है लोग इसमें शामिल हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से बात करें सिर्फ जम्मू में ही नहीं पूरे विश्व में पूरे भारत में आज भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्राएं जो है निकाली जा रही है। आज जो माहौल है वो भक्ति का माहौल इस समय छाया हुआ है और इस समय की सीधी तस्वीरें हम आपको डोगरा चौक से दिखाते हुए जहां से ये भव्य शोभा यात्रा जो है निकल रही है और जयकारे आप सुन ही रहे होंगे। जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए लोग यहां पर जो है किस तरह से आज इस जयंती को मनाते हुए, और आपको ये भी बताएं समय समय पर पानी की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी भीषण रूप इस समय अपना दिखा रही है ऐसे में शोभा यात्रा के दौरान किसी को अगर प्यास लगती है तो यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था भी की गई है। और आप पानी की व्यवस्था करते हुए और देख सकते हैं कि ये शोभा यात्रा यहाँ से जो है निकाली गई है। जय श्री राम के जयकारे लगाते हो आज शोभा यात्रा आपको कई जगहों पर जो है देखने को नजर आएगी। आज का दिन जो है भक्ति के रंग में रंग चुका है, हर कोई भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए इस समय यहाँ पर आ पहुंचा है। डोगरा चौक से जो ये रैली निकाली जा रही है और मौसम भी आज कहीं ना कहीं हल्का जो है मौसम में देखने को फर्क नजर आ रहा है। बादल छाए हुए हैं, भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं आज राहत भी मिली है, उतनी राहत फिलहाल नहीं मिल पाई है लेकिन राहत है, और इस राहत में आज हजारों की तादाद में भगवान परशुराम जी की जयंती आज सब यहां पर लोग मनाते हैं। आज देखा जा रहा है कि भक्ति के रंग में पूरा भारत रंग चुका है। जो परशुराम जी थे वो परम वैष्णव थे, वो परम वैष्णव थे, अनादि काल से जी आता चलता आ रहा है, ये आज का नहीं है। जब बड़ा पाप बड़ा था तो तभी तो परशुराम जी प्रकट हुए थे, उन्हें प्रकट हो गए, शत्रुओं का नाश किया, दुष्टों का नाश किया। आज हम वो लोग कर नहीं सकते मगर उनके कहे पे हम चल तो सकते हैं, कम से कम ये तो दिखा सकते हैं कि परशुराम जी ने ये किया। जो नई पीढ़ी आ रही है उनको कोई हम मैसेज तो दे सकते हैं, यही बात। जैसे ये आपने देखा आज यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ परशुराम जी की शोभा यात्रा जो है निकाली गई है और जिस तरह से लोगों का मैसेज है हर कोई यही कह रहा है कि हम उन जैसा तो बन नहीं सकते लेकिन उनके दिए हुए जो उन्होंने बातें कही हैं उनके ऊपर चलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लगातार तस्वीरें आपको डोगरा चौक की दिखाते हुए जहां से भव्य परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर जो है शोभा यात्रा निकाली गई है।
सीधी तस्वीरें आपको डोगरा चौक से दिखाते हुए केके रिजॉर्ट से ये जो है भव्य यात्रा भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर निकली है और अब ये हर की पौड़ी में जाकर जो है ये यात्रा जो है सम्मिलित होगी और हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुई है। शोभा यात्रा में सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई ग्रेटर जम्मू के माध्यम से। और आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है, आज परशुराम जी की जयंती के साथ साथ अक्षय तृतीय भी है और ये भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी की जिस दिन जयंती होती है अक्षय तृतीय भी उसी दिन मनाई जाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं शोभा यात्रा के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।